टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के अंधेरी इलाके से 9 साल पहले अपहरण हुई 7 साल की बच्ची अब अपने परिवार से मिल गई है, जिसकी उम्र अब 16 साल हो गई है। आपको बता दें कि मुंबई की 7 साल की पूजा 22 जनवरी 2013 को स्कूल जाते समय अपहरण हो गई थी। पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और पूजा गौड़ के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही रहने वाली डिसूजा की पत्नी सोनी ने इस पूजा को किडनैप किया था और इसे किडनैप करने के बाद कर्नाटक भेज दिया था, क्योंकि उस वक्त डिसूजा के एक भी औलाद नहीं थी और औलाद की चाह में इन्होंने पूजा का किडनैप किया था। मगर अब पूजा 16 साल की हो गई थी और डिसूजा को भी एक औलाद हो गया था, जिसके बाद इन लोगों ने कर्नाटक से पूजा को वापस मुंबई बुला लिया और ये दाई का काम इससे कराने लगे। अक्सर इसे मारा पीटा जाने लगा और पूजा को इस बात का भी पता चल गया कि डिसूजा ने उसे किडनैप करके लाया था, जिसके बाद इंटरनेट की मदद से पूजा ने माँ बाप की तलाश शुरू की और आखिरकार इसने ढूंढ भी लिया। आपको बता दें कि पूजा के लापता होने का मामला सब इंस्पेक्टर राजेंद्र गोंडू के पास था, जो 2008 से 2015 के बीच 166 लड़कियों को ढूंढने में लगे हुए थे। हालांकि इन्होंने 165 लड़कियों को ढूंढ भी लिया था, मगर पूजा मिसिंग केस 166 नंबर पर था। इसी बीच ये रिटायर भी हो गए थे, मगर रिटायर होने के बाद भी 7 साल तक इन्होंने पूजा को ढूंढने का सिलसिला जारी रखा और आखिरकार पूजा 9 साल बाद पुलिस की मदद से अपने परिवार से मिल गई है। पुलिस ने डिसूजा दंपति पर मानव तस्करी और गैरकानूनी मजदूरी कराने सहित अन्य सेक्शन में मामला दर्ज किया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।